रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भगवान शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है। कहते हैं कि अगर भगवान शनिदेव की कृपा किसी पर हो जाए तो उसके हर काम बनते चले जाते हैं और वह व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। लेकिन अगर भगवान शनि की वक्र दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो एक राजा को भी भिखारी बनते देर नहीं लगती। ज्योतिष की माने तो जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी भगवान शनिदेव की कृपा अवश्य मिलती है। ज्योतिष की माने तो जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी भगवान शनिदेव की कृपा भी मिलती है और प्रकोप भी सहना पड़ता है। कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं? माना जाता है कि सभी 12 राशियों को कभी ना कभी शनि की 7.5 और ढैया से गुजरना ही पड़ता है। आमतौर पर शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। ऐसे में शनि के स्थान से ये तय होता है कि वो मजबूत स्थिति में है या कमज़ोर। यदि शनि मजबूत स्थिति में होते हैं तो उसके फल बहुत शुभदायक होते हैं। लेकिन अगर शनि की स्थिति कमज़ोर है तो व्यक्ति को इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब शनि गोचर में किसी राशि के 4th या 8th भाव में होती हैं तब इसे शनि की ढैया कहा जाता है। शनि की ढैया के दौरान व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है और उसके बनते हुए काम बिगड़ जाती हैं और इसे ही लोग आमतौर पर शनि का प्रकोप भी कहते हैं। दोस्तों, यदि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं या फिर आपको अपने जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतें, परेशानियाँ और दुख से गुजरना पड़ रहा है या फिर आप किसी रोग से काफ़ी समय से गुजर रही हैं तो समझ लीजिए कि भगवान शनि आपसे खुश नहीं है। और दोस्तों, भगवान शनि को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं होता। बता दें कि यदि आप हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें या फिर 108 बार शनि मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें तो इससे भगवान आपसे ज़रूर प्रसन्न हो जाते हैं। इसके दोस्तों साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तिल का दीपक आपको जलाना चाहिए। इस दीपक में काले तिल डाल दें तो यह और भी अच्छा है। इसके साथ ही हनुमान जी को शनिदेव के परम मित्रों में से एक माना जाता है, इसीलिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि शनिवार के दिन हनुमान बाबा की पूजा करने वाले को भगवान शनि नहीं सताते। साथ ही साथ काले कुत्ते को सरसों के तेल में लगी हुई रोटी हर रोज़ या फिर मंगलवार या शनिवार को खिलानी चाहिए। इससे भी भगवान शनिदेव जल्दी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर दोस्तों, किसी ज़रूरतमंद को काले वस्त्र, काले तिल या काली दाल आदि दान करनी चाहिए। शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। संभव हो तो किसी गरीब को भी सरसों का तेल दान करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो यदि आप अपने जीवन में करती हैं तो भगवान शनि आपसे जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भगवान शनि फिलहाल मार्गी अवस्था में है। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि भगवान शनि मकर राशि में अभी फिलहाल मार्गी चाल चल रही है। और दोस्तों, इस बीच भगवान शनि की शुभ स्थिति कुछ राशियों पर भी पड़ रही है, यानी कि इन राशि वालों के लिए आने वाला समय अब काफ़ी ज़्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है और भगवान शनिदेव अब इन राशि वालों पर
कुबेर का भंडार लुटाने वाली हैं। तो आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि इन राशि वालों पर अब कलयुग के महाराज भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है, जिससे कि दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाली हैं। आप लोगों की कुंडली में 51 सालों के बाद राजयोग बन रहा है, जी हाँ, जिससे दोस्तों आप अपने जीवन में नई मिसाल स्थापित करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोग अपने जीवन में दिन दोगुने और रात चौगुने तरक्की हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। लाइफ में होने वाले परिवर्तन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास रहेंगे। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को नई खुशखबरी मिलने की संभावना नज़र आ रही है। किसी के भी बहकावे में आकर इस दौरान आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना करें, सोच समझ कर अपने विवेक से ही आप हर कार्य करने की आपको आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी किस्मत का आपको इस दौरान पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी इस दौरान लॉटरी भी लग सकती है। समाज में इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली है। संतान की ओर से कोई उपहार भी आपको प्राप्त हो सकता है। किस्मत चमकने के कारण आप लोगों के सभी रुके हुए कार्य पुनः शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, समाज में आपका मान सम्मान भी इस दौरान बढ़ेगा। ऑफिस के कार्य क्षेत्र में पदोन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार में चली आ रही परेशानियाँ और कष्ट आपके दूर होंगे। आय के नए स्रोत भी स्थापित इस दौरान आपके होने वाली हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको इस दौरान सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहली जो राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप लोगों को नौकरी में तरक्की होने की प्रबल संभावना है। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी मुनाफा देने वाला है। धन आगमन से परिवार में आपके खुशियां आएंगी। तमाम रिश्ते भी आपके बेहतर होंगे। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि के लोगों के लिए भगवान शनि शुभ अवस्था में हैं। ऐसे में वृषभ राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। कहीं से फंसा हुआ धन भी प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति में आपकी मजबूती आ सकती है। रुके हुए काम भी आपके बनने के आसार हैं और मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होने के संकेत हैं। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। बताना चाहेंगे कि आप लोग जिन कामों के लिए अब तक परेशान हो रहे थे, जल्द ही वो काम अब बनने की उम्मीद है। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ऐसे में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के साथ आप निपटाएं, ताकि आपको अपनी मेहनत के अनुरूप पूरा फल मिल सके। रुके हुए काम पूरे होने के आपके संकेत हैं, जिससे आपको काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। जी हाँ, बता दें कि भगवान शनि की वक्री स्थिति आपके लिए एक वरदान साबित होगी। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस दौरान आप जो भी काम करेंगे सफलता आपको प्राप्त होगी। धन का लाभ भी आपको होगा और ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस समय का आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है धनु राशि। जी हाँ, बता दें कि आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। इस बीच कोई अच्छा समाचार सुनने को आपको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर अटका हुआ है तो इस बीच उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। परिवार में लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में
यह समय आपको शुभ फल मिलने के संकेत हैं, इसलिए मेहनत में आप कोई भी कसर ना छोड़ें। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मेष राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का निवारण होगा। आप अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा से आपको धन के साथ साथ खुशियां भी मिलेगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनको अच्छी कन्या का रिश्ता सामने से आएगा। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रही हैं उनको अच्छी सैलरी वाली नौकरी भी मिल जाएगी। आप लोगों को चारों तरफ से सबका साथ मिलेगा। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे, बता दें कि आपको अपने जीवन में कई सारी खुशखबरी मिलने के योग अब बन रही हैं। आपकी किस्मत भी अब बदलने वाली है और आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां भी दस्तक दे रही हैं। धन की वृद्धि भी संभव है। कोर्ट कचहरी के कार्य में आपको इस दौरान जीत मिल सकती है। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान भी आपका अधिक बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान शनिदेव की निरंतर आराधना करें, आपके सभी काम आसानी से पूरे होते जाएंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।